अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। यहाँ पे ना हालतें मेरी टाइट हुई हुई है, उसकी रीज़न ये है कि नज़दा वेदर चेंज हो रहा है और कल यहाँ पे जो है वो थोड़ा सा जो है फ्रॉस्ट फ्रॉस्ट गई है, तो सुबह मैं वीडियो नहीं बना सकी। उसकी वजह एक तो तबीयत थोड़ी सी नासाज थी, सेकंड जो है वो सुबह के वक्त इतना हैक्टिक होता है, बच्चों को स्कूल भेजना है, क्लास में पहुंच जाए एंड बहुत हैसल होती है, तो उसमें बड़ा ही मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कि मैं सुबह के टाइम पे कोई वीडियो बना सकूं। लेकिन अपडेट ये है कि मेरा एक टिश्यू का बॉक्स ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट 3-4 रह गए होंगे इसमें, और दूसरा ऑन द वे है। इतना शदीद मुझे नज़ला हो रहा है, तो बस यही चल रहा है। और आज का दिन स्टार्ट करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताना भूल रही, मैं असल में इसकी वीडियो बना रही थी, क्योंकि मैं इसका ये लेज़र मैंने मशीन मंगाई है, सो इसका मैं पूरा रिव्यू देना चाह रही थी। और आप जैसे मेरा फेस देख रही हैं कि मैंने इसके ऊपर काफ़ी आईब्रोज़ वगैरह बनाई हुई हैं और क्लीन करने की कोशिश की है मैंने अपना फेस, लेकिन उसके बावजूद मैं नहीं कर पाई। उस सिंपल सी बात है कि एक तो इतना टाइम नहीं मिलता, जब टाइम मिलता है तो फिर इतनी ये नज़ला ज़ुकाम शुरू हो जाता है ना, वेदर के चेंजिंग्स का तो बड़ा ही मसला हो जाता है। बॉक्स ही गिर गया, तो मैंने यही सोचा है कि इसकी ना मैं वीकली आप लोग को अपडेट दूंगी। उससे होगा ये कि मैं ख़ुद भी अपडेटेड रहूंगी और बड़ा मुश्किल हो जाता है कंसिस्टेंट रहना। इसके साथ ये है कि ये जो लेज़र मशीन है, इसके साथ ये है कि आपने इसको हफ्ते में कोई एक दिन बना लेना है और उसी हफ्ते में यूज़ करना है। मुझे तकरीबन 8 हफ्ते तक इसको यूज़ करना है। और मैं बाकी डिटेल्स जो है उसकी सेपरेट मैंने वीडियो बनाई है तो उसमें आपको मिल जाएंगी, लेकिन ये वाली जो वीडियो है इसके अंदर जस्ट मैं आपको यही दे रही हूँ। अभी मैंने स्टार्ट किया था लेकिन वही तबीयत ख़राब हो गई और फिर मेरे मुंह पे ना ब्लस्टर्स हैं, तो रेड हो रही है स्किन। तो आपकी स्किन अगर डैमेज हो या रेडनेस हो, मतलब कोई भी थोड़ा बहुत भी सेंसिटिव हो रही हो, तो आपने ये मशीन उसके ऊपर यूज़ नहीं करनी, तो इसलिए भी मैंने साइड में रख दी। तो अगर मैं फेस पे नहीं भी करूँगी ना, सो मेरे जो साइड बर्न्स हैं ना, यहाँ की मेरी स्किन इतनी क्लियर है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जितना ये एरिया अंदर छुपा हुआ है ना, ये वाला एरिया मेरा बहुत नीट एंड क्लीन है। इतनी स्मूथ स्किन है यहाँ की, और ये वाला भी एरिया मेरा काफ़ी स्मूथ है। सिर्फ मेरा जो प्रॉब्लमेटिक एरिया है, जो मैं पहले भी अपने स्किन में जो रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही थी उसमें भी मैंने बताया था, मेरा ये जो हिस्सा है ना, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है और ये आज तक सही नहीं हुआ। पता नहीं जवानियाँ जा ही नहीं रही, हमारी जवानियाँ ख़त्म ही नहीं हो रही। एनीवेज ये मैं अपनी बात यहाँ ख़त्म करती हूँ और काम पे लग जाते हैं, क्योंकि काम तो करना ही है ना, काम तो नहीं रुकते। और बच्चों ने आके खाना भी खाना है और आज वीकेंड है, तो बच्चों ने जुम्मे वाला दिन है, तो जुम्मे को नहाना धोना भी होता है, तो ये सारे सब कुछ लगा हुआ है। सो बैक टू वर्क, यही अपडेट है। इसके बाद आप देखें, मोमी असल में गई थी कार वॉश करवाने के लिए, तो उसने वीडियो बनाई एंड बच्चे ज़्यादा इंजॉय करते हैं और बड़े भी बहुत इंजॉय करते हैं, यहाँ पे कार वॉश इतने मज़ेदार होते हैं ना। सिलेक्ट हाई प्रेशर फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो फॉर्म इसमें ज़्यादा चार्ज बनेगा, उसमें सिर्फ ये फॉर्म कलरफुल फॉर्म है, ये पर्पल पर्पल पति यहां भी है ना, इस पे कर देना या इस पे कर देना। अच्छा नहीं, आई थिंक ये पर वाला है, ये 300 ये ब्रा वाला तो कुछ और फॉर्म के साथ है, मुझे तो फॉर्म तो ये रहा ना, तो वो जो कलरफुल वो आता है ये रहा कलर वाली कलर क्या है।
Thank you.